अबे रमजानी, ओ रमजानी, अबे मेरा मोबाइल जान कहाँ दफन कर दिया? रमजानी, पता नहीं कंपा कहाँ मर गया। लो पूलो अपने मुंह का बवाल। सारे दर्जी जुमे रात की छुट्टी रखे हैं, मगर तुम नहीं रख सकते। ये टोपी सिल सिल के यही मर जाइयो। काम क्यों? अबे तू छुट्टी करके क्या करेगा? जा, जो टोपियां सिल गई हैं, उन पे प्रेस कर और तैयार कर। ग्राहक आता ही होगा। ना जी ना, मैं आज काम कती नहीं करूं। मैं तो आज मजाहिया मुशायरा सुनने जाऊंगा। हाँ अबे बेटी, अगर मैं तुझे यहीं बैठे बैठे मजाहिया मुशायरा सुनवा दूं तो फिर तो तू नहीं जाएगा ना? क्यों मेरा बावड़ा बना रहे हो? तेरे पास कौन सा अलाउद्दीन के चिराग का जिन है जो मुझे यहीं बैठे बैठे मुशायरा सुनवा देगा? मेरे पास अलाउद्दीन के मामू सलाहुद्दीन की जादुई तांबे की केतली है। ठहर, दिखाता हूं। ये है सलाउद्दीन की तिलसमी केतली। अब इस पे मैं रगड़ा लगाऊंगा। अब मैं इस पे रगड़ा लगाऊंगा, इसमें से जिन बाहर निकलेगा। एहतराम के साथ नीचे बैठ जा। देख रमजानी, केतली के जिन को देख के डर मत जाइयो, वरना ये जिन तुझे घसीट घसीट के मारेगा। जी पहले थारा जिन इस केतली मतलब बैर तो लिखड़ जा, फिर जो होगा देखे जाएगी। अल हकीकी बर्रा खुबरा टिलाओ टिलाओ। क्या माजरा है, अभी तक जिन क्यों नहीं बाहर निकला? अजी मास्टर जी, क्यों मेरा बेवकूफ बना रहे हो? चाय की केतली को तिलस्मी केतली बता रहे हो? इसमें तो ना निकला मकौड़ा भी। निकलेगा निकलेगा, सबर कर निकलेगा। सबर करना अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। तू केतली से बाहर क्यों नहीं आ रहा? ओए पपीते की शक्ल वाले दर्जी, मैं आज बाहर नहीं आऊंगा। आज मैं छुट्टी पे हूँ, पूरे दिन हमदो नाद सुनूंगा। मुझे डिस्टर्ब मत कर दियो बिल्कुल भी। क्या हो गया मास्टर जी, थारा जिन क्यों नहीं बाहर निकल रहा? बेटा रमजानी, आज जिन छुट्टी पे इसीलिए बाहर नहीं आ रहा। मास्टर जी, अगर आप कहो तो मैं जिन को बाहर निकाल दूं। और तू कैसे निकाल देगा? अच्छा चल निकाल। बस एक मिनट रुको, मैं इभी आया। मास्टर जी, अब देखो तुम हरियाणे वाले रमजानी का कमाल। चल गया भूख गया, चल गया भूख गया, चल गया भूख गया, चल 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 गया
गया। बताओ बताओ किस कमबख्त ने मेरे ऊपर खौलता हुआ पानी डाला है। बताओ मैं उसकी पोटी पोटी कर दूंगा, उसके सिरी पाए उतार दूंगा। बताओ जल्दी बताओ कौन है, तुझ कमबख्त ने डाला है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अभी तुझे बताता हूँ। ओ भाई गंजे, मैं तो तेरे साथ मजाक करूं था, मुझे माफ कर दे। मजाक? ऐसी मजाक? ऐसी मजाक तो मेरे साथ कभी रज़ाक ने भी नहीं की, तेरी सूरत कैसे हुई? भाई गंजे मुझे माफ कर दे। माफ करना हुज़ूर पाक की सुन्नत है, इसलिए तुझे माफ कर रहा हूँ। अब बताओ तुम लोग कि मेरे आराम में खलल क्यों डाला? भाई टकलू, या बात बताऊंगी तुझे मास्टर जी, अगर इस बात का मुझे पता होता तो मैं इनकी सर टोपी सिलता, मुझे अंग्रेज न ले जाते भला यहाँ तक। भाई बिलबिल भलैया। बिलबिल भलैया नहीं, बिलबिल हुदैया। हाँ भाई वही जो तू बता रहा है। भाई कोई ऐसा इंतजाम करा दे जो हम दोनों उस्ताद चेलों को यहीं बैठे बैठे मजाहिया मुशायरा सुनवा दे। ऐसी बात है तो अभी इंतजाम कर देता हूँ। हुलल पुलल चिलम पला, ये तिलस्मी आईना है, लो ये आईना लो। लाओ लाओ। और अब मैं चला। देखा तिलस्मी आईना? मुशायरा देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ तिलस्मी आईने, हमें मजाहिया मुशायरा दिखा। नाजरीन हजरात, हमारे मजाहिया प्रोग्राम वाह क्या बकवास है मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ। मैं अपने इस प्रोग्राम वाह क्या बकवास है का आगाज करते हुए दावत सुखन दे रहा हूँ एक ऐसे मशहूर और लाजवाब शायर को जिसकी तारीफ़ के लिए मेरे पास माकूल अल्फाज नहीं हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जब वो अपनी शायरी सुनाते हैं तो उनकी शायरी सुनकर जिन और भूत भी दुम दबाकर भाग जाते हैं। तो नाज़रीन, आप भी अपने गुर्दे फेफड़े और जिगर को थाम कर बैठिए, क्योंकि मैं आवाज़ दे रहा हूँ जनाब अबरार कमबख्त को। समाइन आदा। आदा वादा। तो शेर अर्ज है। इरशाद। इरशाद। शेर समाज फरमाइए। इरशाद। कि जब भी हम किसी महफिल में गजल सुनाते हैं, जब भी हम किसी महफिल में गजल सुनाते हैं, वाह वाह वाह, जब भी हम किसी महफिल में गजल सुनाते हैं, ना जाने क्यों लोग बेहोश हो जाते हैं। वाह क्या बकवास, क्या बकवास, क्या बकवास, मजा आ गया। जब भी हम किसी मुशायरे में गजल सुनाते हैं, ना जाने क्यों लोग बेहोश हो जाते हैं। वाह वाह क्या बकवास है, लानत है, क्या बकवास है, वाह वाह। डांट भी मेरी गजलों पे मिलती है कुछ इस तरह। वाह 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 वाह। दाद भी मेरी गजलों पे मिलती है कुछ इस तरह, कुछ मारते हैं अंडे, कुछ गाली सुनाते हैं। जैसी गजल वैसी दाद, और आगे इरशाद। हजरत, अब जो मैं आपके सामने मिश्रे सुनाने जा रहा हूँ, वो मिश्रे नहीं मेरे दिल के छाले। वाह वाह वाह, फोड़िए फोड़िए जो अब तक मैंने बड़ी मुश्किल से संभाले। वाह वाह बहुत अच्छे, भाई लानत है। तो अर्ज किया है, तवज्जो चाहूंगा। एक दिन मैंने अपनी बीवी को रसमलाई कह दिया, और मजाक में उसको हरजाई कह दिया। बहुत बकवास, क्या बकवास। मेरी मजाक का उसने इस तरह लिया बदला, बांध कर मेरे हाथ पे राखी मुझे भाई कह दिया। वाह वाह क्या बकवास है। हजरत, अब जो मैं आपको शेर पेश करने जा रहा हूँ, इरशाद,
खुदा की कसम उसकी उम्र अभी 2 घंटे भी नहीं है। तो अर्ज किया है, बड़ा पुरकशिश है तेरी आवाज का शहर। बड़ा पुरकशिश है तेरी आवाज का शहर। वाह 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 वाह, क्या बात है। बड़ा पुरकशिश है तेरी आवाज का शहर। तेरी की मुकर्रर मुकर्रर। बड़ा पुरकशिश है तेरी आवाज का शहर। बड़ा पुरकशिश है तेरी आवाज का शहर। भीख मांगने को मन करता, अल्लाह की लाइफ दे दे बाबा, अल्लाह की लाइफ दे दे बाबा, अल्लाह की लाइफ दे दे बाबा, अल्लाह की लाइफ दे दे। लानत है भाई लानत है। खाली हाथ दिखा रहा, अब दे देता तो कम से कम 50 का 500 का कुछ तो नोट देता। तो हजरत, अब मैं आपके सामने एक गजल पेश करने जा रहा हूँ। अमर मियाँ, ये गजल तरन्नुम के साथ गाइएगा। देखिए मियाँ, हम तरन्नुम के साथ नहीं सुना सकते, क्योंकि तरन्नुम जो है वो अपनी खाला जान के यहाँ आई हुई है। अरे गाना गाकर सुनाइएगा, गाकर सुनाइएगा। अच्छा, तो ऐसे बोलिए तो लीजिए। मियाँ अर्ज किया है, इरशाद इरशाद। मियाँ शेर अर्ज किया है, सामान मुझे मिला है निराला दहेज में, सामान मुझे मिला है निराला दहेज में, और बीवी के साथ आया है साला दहेज में। अलवर अलवर। तो लीजिए मियाँ, अब आप मेरी तरन्नुम झेलिए, अब मैं सुनाऊंगा तरन्नुम के साथ ही सुनाऊंगा। मियाँ आप भी तवज्जो दीजिएगा। हाँ यारो, मेरी शादी में आया एक साला है, यारो मेरी शादी में आया एक साला है, वो गधा है, वो गधा है, उल्लू है, अरे कौवे जैसा काला है, अपहरण नहीं करता है, जकी बीमारी से बेशरम नहीं मरता, सारे लोग टन 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 टन, सारे लोग टन 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 टन, सारे लोग कहते हैं अरे सांड मैंने पाला है। वाह क्या बकवास है भाई, क्या बकवास है। दुनिया में जो खास किस्म की मखलूक है साला, उसके मुतालिक मेरे जो ख्यालात हैं वो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ, जरा तवज्जो दीजिएगा। इरशाद, साले को नींबू की तरह निचोड़ दूं, साले को नींबू की तरह निचोड़ दूं, तवज्जो चाहूंगा, साले को अपने नींबू की तरह निचोड़ दूं, साले को अपने नींबू की तरह निचोड़ दूं, जी चाहता है उसे चांद पे ले जाकर छोड़ दूं, कंबख्त अजाब है मेरी जान पर वो, जी चाहता है उसकी गर्दन मरोड़ दूं। कोई बात होती है यार, मम्मी कोई बात होती है, दोनों बहन भाइयों ने मेरा मिलकर उल्लू बना लिया। मियाँ जरा तशरीफ इधर लाइए और इस माइक का पीछा छोड़िए। मामा तुम्हें माइक की पड़ी है, हमारे यहाँ हमारे साले ने हमारा जीना हराम करेगा, तुम माइक के पीछे पड़ो, जाओ वहाँ पे बैठो जाओ। देखिए देखिए थोड़ा इधर आइए, औरों को भी मौका दीजिए। अरे हुजूर माइक को भी सांस लेना होता है, आप आइए इधर तो आइए। अरे चलिए तो सही हुजूर। हम कहाँ चलिए, कहाँ जा रहे हैं हम? निकलिए। अरे एक शेर और सुना। अरे तो निकलिए। अरे देखिए एक शेर और। अरे निकलिए तो सही। अरे नहीं निकल भाई मियाँ, कैच करिए आप, करिए आप, करिए आप। अरे भाई इसमें मुशायरा देखना बंद क्यों हो गया? तू वालदान उठा, मैं चेक करता। लो वाह मास्टर जी वाह, आपके इस आईने ने तो कमाल कर दिया, हींग लगी ना फिटगड़ी। इस आईने ने तो यहीं बैठे बैठे मुशायरे की जियारत करवा दी।
बेटा सही अल्फाज जियारत है, जियारत नहीं है, जियारत 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 सही अल्फाज बोलो, जबान को साफ करके बोलो, जियारत जियारत सही अल्फाज होता है जियारत जियारत। अरे भाई जियारत जियारत कैसा मुसलमान बच्चा है, तू उर्दू नहीं जानता, कहाँ पे पढ़ा लिखा है? पढ़ाई की ना पूछो मास्टर जी, मन्ने सिपारा भी पढ़ रखा और तस्बीह भी पढ़नी जानू, बस उर्दू में ही थोड़ा सा हाथ ढीला है। बेटा रमजानी, उर्दू जबान बहुत ही आसान है, बस जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं मेरी नकल करते जाना, आज ही 20-30 अल्फाज तो इंशाल्लाह तुम सीख ही जाओगे। नकल तो मैं ऐसी ही कर दूंगा, ऐसी कर दूंगा, ऐसी कर दूंगा, ऐसी की तैसी कर दे। जबान को संभाल कर जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे मेरी नकल कर, बोल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बोल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम आगाज करते हैं उर्दू की तालीम का, तो अब हम आगाज करते हैं उर्दू की तालीम का। उर्दू उर्दू। अबे रमजानी के बच्चे, तू हूबहू मेरी नकल क्यों उतार रहा है? अबे रमजानी के बच्चे, तू हूबहू मेरी नकल क्यों उतार रहा है? अबे बाज आजा, वरना कैंची से मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। अबे बाज आजा, वरना कैंची से मैं तेरी गर्दन काट दूंगा। उर्दू किसने मेरे ऊपर छोड़ दिया इसे? अरे किसने मेरे ऊपर छोड़ दिया इसे? अबे मनहूस, तेरी शक्ल पे 7 शुक्रातों की लानत। मास्टर जी, अभी तो उर्दू सीखने में मजा सा आया था, अभी तुमने ट्यूशन बंद कर दिया, बढ़िया बात ना हो थारी। बेटा रमजानी, हाँ हाँ की बातें नहीं किया करते। आ बेटे, मैं तुझे कुछ और दिखाता हूँ। हाँ चल चल चल, जल्दी आ। आए हाय हाय, ये देख। ए करामाती आईने, कुछ और करामात दिखा हमें, कोई और अच्छा सा प्रोग्राम दिखा। ए तिलस्मी आईने, बस चुप हो जा, देख। जनाब अबरार कमबख्त ने बड़े लाजवाब अंदाज में अपनी शायरी से हम सबको नवाजा, हमने इनकी शायरी का लुत्फ उठाया। तो अब मैं आवाज़ दे रहा हूँ, दावत सुखन दे रहा हूँ उस बेवकूफ़ और कमबख्त शायर को, जिसकी शायरी की बेहूदगी नाजरीन को हंसा हंसा कर लोटपोट करने की ताकत रखती है। जनाब शायर आज़म इसरार दिल जला साहब की शान में मैं एक शेर अर्ज कर रहा हूँ। अर्ज किया है कि कभी हंसता है कमबख्त कभी रोता है, कभी हंसता है कमबख्त कभी रोता है, जब वो अपनी बेगम के कपड़े धोता है। तो जनाब इसरार दिल जला साहब, आपसे गुजारिश है कि आप अपने कलाम से हम सबको नवाजें। सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में आदाब पेश करता हूँ। आदाब, पहले मैं आपको एक हज़ल से नवाजता हूँ, मुलायजा फरमाइए। जी शुक्रिया। पहले उसने रस कहा, पहले उसने रस कहा,
पहले उसने रस कहा फिर गुल कहा, कि पहले उसने रस कहा फिर गुल कहा फिर ला कहा। बकवास जी। शुक्रिया। इस तरह जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े कर दिए। वाह नालत तेरी शक्ल पे। समाईने हजरत, एक और शेर पेश खिदमत है, मुलाहिज़ा फरमाइए। कि खुदा जब हुस्न देता है, खुदा जब हुस्न देता है कयामत आ ही जाती है। अम्मा कयामत के बाद भी कुछ है? जवानी झूम कर फिर तो यही एक गीत गाती है। क्या? कि मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्यों भीगे सलमा खड़ी खड़ी। मेरी छतरी के नीचे आ जा, क्यों भीगे सलमा खड़ी खड़ी। जी शुक्रिया शुक्रिया। एक शेर और पेश किया है आपकी खिदमत में। शेर पेश खिदमत है, शायरी को चारा समझकर हर वक्त चरने लगा, और शायरी आती नहीं पर शायरी करने लगा। दिल के जज्बात आप तक पहुँचेंगे तो आपकी तवज्जो चाहता हूँ। बड़े मियाँ आपको नज़र किया है इस शेर। दिल जली ने दिल जले का दिल जला कर रख दिया। क्या बात है? दिल जली ने दिल जली ने दिल जले का दिल जला कर रख दिया। वाह वाह। दिल जली ने दिल जले का दिल जला कर रख दिया। क्या बात है? जी शुक्रिया। फेफड़ा गुर्दा जिगर सब कुछ हिला के रख दिया। वाह 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 वाह। जी शुक्रिया भाई। लानत भेजनी पड़ेगी इनकी सूरत पर। क्या बात है? अरे आई लव यू कह दिया था एक दिन मैंने उसे। आई लव यू कह दिया था एक दिन मैंने उसे। मार कर सैंडल हमारा तो मुंह सुझा कर रख दिया। बाबा बाबा क्या बात है। आपके पेशे खिदमत एक छोटा सा शेर कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। मेरे ही काम का है न दुनिया के काम का, अल्लाह ने हमें दिल दिया बस 10 ग्राम का। जी शुक्रिया। मजा नहीं आया, बड़ा ही वाहियात शेर है। इससे ज्यादा वाहियात तो हम लोग सुना दें। अरे हुजूर, अगर शेर पसंद नहीं आया है तो कोई बात नहीं भाई, आपकी गुजारिश पे एक और दूसरा शेर पेश खिदमत है। मेरे पास तो खजाने हैं साहब शेरों के। तो समाईने हजरात, एक और शेर पेश खिदमत है। इरशाद। घर की खुन्नस यहाँ निकाल रहे हैं या? हाँ यही बात है। कि हमको हटा सके ये जमाने में दम नहीं। अरे हमको हटा सके ये जमाने में दम नहीं, मुझसे बड़ा मुहल्ले में कोई बेशरम नहीं। बहुत देर हो गई है, मेरा भी लंबर आन दो। जी शुक्रिया। चलो 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 निकलो। शुक्रिया। क्या बकवास है। है रमजानी। हाँ जी। अबे इसकी तस्वीर कहाँ नदारद हो गई? जी मास्टर जी, आप आदमी हो पजम में। अरे भला मुझे पता होता मैं थरे यहाँ से टोपी सिलता है। अबे जबान को लगाम लगा के रखा कर। अरे बेवकूफो, इस आईने की बैटरी खत्म हो गई है। आओ। अब मैं इसे चार्जिंग पे लगाने जा रहा हूं। मास्टर जी एक बात बताओ, इस आईने की भी बैटरी खत्म हो जा। अबे बेवकूफ, अगर मुझे ये बात पता होती तो मैं यहाँ टोपी सी रहा होता। अंग्रेज नहीं ले जाते मुझे अपनी गल।